अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि किचन में चल सकते हैं हम? बिल्कुल। क्या बना रहे हैं आज हम किचन में? आज हम लोग पकोड़े बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। okay. और प्रोटीन फिल्ड पकोड़ाज हैं। प्रोटीन फिल्ड पकोड़ाज, आइए जरा देखते हैं कि प्रोटीन फिल्ड पकोड़ाज कैसे बनते हैं, देखते हैं। फैसल आप भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो, मतलब कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा, समझ में ना आए तो बता दीजिएगा जी, बताइए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट भी करती हूँ, सही है, तेल चढ़ा भी दिया। प्रोटीन की जहाँ पे बात आती है सारे, जब हम रोजे में होते हैं तो एनर्जी डाउन होती है, बिल्कुल डाउन, और जब हम इफ्तार करते हैं तो बजाय इसके कि हम फ्राइड चीजें जो ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने चिकन, प्याज के तो पकौड़े सबके घर में बनते हैं, बट एग और चिकन के पकौड़ाज बना रही हूँ। एग और चिकन के पकौड़ा, मतलब सेपरेटली बनेंगे अब, लेकिन अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, सही है। बेसन में मैं ऐड रही हूँ बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, ये बेसन तकरीबन 1 कप है, और इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून, देन रेड चिली पाउडर है हमारे पास एज पर टेस्ट, देन सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट हमें चाहिए। अच्छा, पिसा धनिया है यहाँ पे अराउंड 1/4 टीस्पून। जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे तो एक डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा, देन सॉल्ट, सॉल्ट वुड ऑल्सो भी एज पर टेस्ट, इसको हमने एज पर टेस्ट लेना है, लेकिन कम लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बीपी इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, ये ग्रीन चिलीज जो हैं ये आप पेस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो वो जाए, मतलब खा भी सकते हैं और पता भी नहीं चलेगी, इतनी स्पाइसी नहीं होगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, उसके साथ कोरिएंडर लीव्स हैं, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं, और इसमें है गरम मसाला, इट्स wow, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, हाँ, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है सारे से। ओके, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। ओके, सही है। Alright. ये मैंने, अच्छा इसको हम, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको फ्राई ही करें, जो वो है लाइक डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इसको बेक भी कर सकते हैं। हाँ, बेक फ्रायर में, इलेक्ट्रिक फ्रायर जो होता है उसमें कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, इसमें आप लोग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे बस इसमें। okay. और फिर वो पानी कम ऐड होगा और वो बैटर बना के आप उसमें, लेकिन इस वक्त तो हम फ्राई कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त हम फ्राई, इस वक्त हम फ्राई कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी पकौड़े बनाए किसी ने घर पे? सब बनाते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है तो इसको हम बैटर बनाने के बाद थोड़ी देर रखते हैं, अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए, और वो बैटर मेरे पास रेडी है, तो इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में जो अंदर छोटी छोटी सी घुटियां बेसन की रह जाती हैं वो बिल्कुल डिसॉल्व हुई भी होनी चाहिए, और ये हमारे पास रेडी बैटर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, सही है। और इसमें मैं एक सेकेंड मैं दिखा दूं ना, ये बैटर है जी, ये रेडी है बिल्कुल, और ये इसकी शक्ल है, और इस बैटर के साथ अब हम बनाने जा रहे हैं, जरा लगाइए। अच्छा, यहाँ पे हमने चेक करना है ऑयल हमारा के, ऑयल इज वार्म, हाँ वो है, तो वो हम थोड़ा सा डाल के ट्राई करके देख लेंगे। ओके, थोड़ा सा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें प्याज ऐड करनी है, लेकिन वो मैं उस वक्त करूंगी जब मैंने एग इसमें डिप करके फ्राई कर ले किए हुए। अब इसमें एग डाल के डिप करेंगे फिर, हाँ, फ्राई करेंगे, एग डाल के डिप करूंगी क्योंकि एग के साथ मैंने जो है वो इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है। ओके, सो दीज आर पकौड़ा एग्स नाउ, एग्स पकौड़ा और एग पकौड़ा, आई गेस अंडे पकौड़े, अंडा पकौड़ा, अंडा पकौड़ा, आई गेस दैट्स अंडा पकौड़ा। और क्या कह रहे हैं कुछ डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जरा माइक खोल दीजिए, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, मैं अर्ज मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये पकोड़े खाना यकीनन जो है वो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन माहे सयाम में, हाँ, जब आप पूरे दिन भूखे और प्यासे रहते हैं, हाँ, तो उसके बाद रोजा अफतार करें खजूर से, ठीक है ना, इट इज इंस्टेंट शुगर, उसमें आपको बाइकार्प मिलेंगे, कार्ब्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद आप जाकर नमाज पढ़ें, और नमाज के बाद अगर फिर थोड़े से एक दो पकोड़े खा लें तो कोई हर्ज नहीं है। Very आपका nice. स्टोमक बिल्कुल श्रिंक हालत में पड़ा है, लेकिन आपको खाना इब्तिदा जो है वो खजूर के साथ करनी है जी। खजूर लें, थोड़ा सा पानी पिए, okay. क्योंकि आपका स्टोमक जो कि 17 घंटे से एम्प्टी है वो प्रिपेयर हो जाए, उसके जूसेस पूरी तरीके से तैयार हो जाए। ओके, ओके, दैट्स रियली गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शुगर लेवल जो डाउन हो होता है वो बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, और रोजा खोलने के बाद जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो फ्रूट चाट या दही बड़े, क्योंकि वो आपकी जो भी खोई हुई न्यूट्रिशन होती है वो वापस ले आती है। यहाँ पे मैंने उसी बैटर में प्याज ऐड की है, और प्याज को मिक्स करने के बाद मैं अब इसमें बॉईल करके, आप चिकन रख सकते हैं चाहे तो ना भी बॉईल करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है तो इसलिए, लेकिन आई थिंक बॉईल करना बेहतर है बिकॉज़ ताकि प्रॉपर तौर पे चिकन जो है वो पक जाए। हाँ,
नहीं वो ऑयल में भी पक सकती है सारे। अच्छा, हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं और एग पकौड़ा बना रहे हैं। चिकन पकौड़ा, yeah, that's nice actually, that's very good. और अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो आप डालें, वरना प्याज नहीं भी डालें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। Exactly. प्याज क्या महंगी है ना, आई नो मैंने इसीलिए तो कहा कि अगर प्याज आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके, बट दिस इज रियली गुड, इट्स टर्निंग आउट टू बी रियली वेरी नाइस। ओफेरा आप ये बनाइए, मैं जरा वहां जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओफेरा जो है बना रही है और चिकन पकौड़ा जो है वो खाए जाएंगे और एग पकौड़ा जो है वो खाए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आपके वो कहाँ हैं दूसरे साथी, उनको बुला लें ताकि हम शुरू कर सकें, उनको भी बुला लीजिए आप। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने शुगर लेवल को मेनटेन कर लिया जाए, फिर उसके बाद जाया जाए।